तेरा तन में है राम, तेरे मन में श्री राम जी के दूत बने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है ये बड़ा ही ज़्यादा खास व्लॉग है। जो भी मेरे हिंदू भाई हैं ना, और जो भी भजन कीर्तन में ध्यान रखते हैं अपना, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अब कुछ बहुत ही बड़ा और बड़ा ही सरप्राइजिंग। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने घर वालों को साथ बिठा लो अपने व्लॉग देखने के लिए। अपने मम्मी पापा चाचा चाची दादा दादी जो भी हैं सबको बिठा लो, और अगर नहीं है साथ में तो उनको शेयर कर दो ये वीडियो, उनको कि ये ज़रूर देखें। मैं आपको आप दिखाने वाला हूँ कन्हैया मित्तल जी का जागरण, देखते हैं क्या होता है। बट बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, जल्दी से इकट्ठे हो जाओ देखने के लिए। इस आसमान से आज्ञा ले, इस धरती माता से आज्ञा ले, इस दरबार में मौजूद तमाम शक्तियों से आज्ञा ले, और इस बहती हुई हवा से आज्ञा ले, क्योंकि जो हवा इस समय मुलाना में बह रही है वही हवा खाटू श्याम जी में बह रही है। क्या पता जो पानी यहाँ बजाए वो हवा में बह के वहां चली जाए, जो अर्जी यहाँ लगाए वो वहां चली जाए। उठाकर जरो हाथ बुला ले, दादा परदादा हमें अपने परदादा के दादा का नाम नहीं पता। स्वामी से एक जानता होगा, अगर हमारा नाम भी आने वाली पीढ़ी भूल जाए तो हमें अच्छा लगेगा, ऐसे उनको नहीं अच्छा लगेगा। आज किसी भी सियाने के पास चले जाओ, मेरा काम नहीं बनता। हमने तो वो लोग भी देखे जो कहते गोलगप्पे खाओ कृपा बरसेगी, ऐसे संत देश में नहीं है साहब। देश में तो संत ऐसे हैं महर्षि मार्कंडेय जैसे, जो दुनिया को उतार देते हैं साहब। तो पूर्वजों को किसी के पास जाओ मेरा काम नहीं बनता, दो मिनट में बता देता क्यों नहीं बनता। ओहो, तुम्हें तो पितृ दोष है, उसको पूछना दादा मेरा परदादा मेरा, सेवा मैंने करी, परोठे बड़ा बड़ा मैंने खिलाए, गंगा जी में मैं छोड़ के आया, फोन तुझे करता है ऊपर से कि नाराज बैठा, मुझे करेगा वो या तुझे करेगा। इसीलिए आप जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं अपने घर में बता देना फोन करके कि रात हम कीर्तन में थे और 50% पितृदोष खत्म हो गया है हमारा। अब आप कहोगे ये कैसे हो गया, तो एक बात जोर से बताना, मुलाना एक है कि दो है, जोर से बताओ ना एक है कि दो है। ऐसे ही स्वर्ग भी एक ही है, इस समय आपके पूर्वज भी वहां बैठे हैं और मेरे पूर्वज भी वहां बैठे हैं, आपस में क्या बात कर रहे होंगे, भाई आज तो मजा आ गया, मेरी पोती भी वहीं बैठी है और मेरा पोता भी वहीं बैठा है जहां भजन हो रहा है, तो वो खुश हो रहे होंगे कि नहीं हो रहे होंगे। एक बार ऊपर देख के जरा सल्यूट करके ऊपर देख के जिसे भी मिस करते हो ताली बजा कर गाना यरमा जय हो मित्तल दे नखदादार की, हर हर मुझे जिन्होंने बुक किया गुरु राम जी के चरणों के भक्तों के रहते हाथों श्री राम जी के दूत बने, तेरे दम से चले मेरी सांस वाले, तेरा साला सर दरबार तुझको पूजे ये संसार, दर पे खाऊं बार बार मने अच्छा लगे से, मने अच्छा लगे से, ओ मने अच्छा लगे, अच्छा नहीं अच्छा अच्छा अच्छा। हरियाणा में अच्छा हो, इधर मद्रासी आदमी। हाँ, यहाँ हरियाणा के कौन कौन बैठे हैं यहाँ सब, और पंजाब के बाहर से कौन कौन है हरियाणा के, मतलब पूरा भारत बैठा है मेरा। एक बार भारत माता की आओ जरा
disturb me today. I have an appointment with Bajrang Bali. कुछ लोग अपनी सुंदरता की मस्ती में जिंदा है और जो राम के नहीं वो जबरदस्ती जिंदा है। एक बार का तेरे तन में मेरा तेरे मन में मेरी छोटी बहने आपका मित्र अमीर हो सकता है, आपका मित्र ज्ञानी हो सकता है, आपका मित्र फेमस हो सकता है, लेकिन आपके माँ बाप से अच्छा मित्र आपका कोई नहीं हो सकता। आज इतनी हार्ट अटैक्स क्यों है? क्योंकि दिल की बात दिलों में रह जा रही है। जब तक दिल खुलेगा नहीं, कल दिल खोला होता दिलदार से तो खुलवाना ना पड़ता औजार से। उससे दिल खोल लोगे, अपनों से दिल खोल लोगे तो बात बन जाएगी। सुनना चाहते हो? ताली बजा के सुना। आ जाओ भाई। बाबा
छोटे छोटे बच्चे देख रहा हूँ यहाँ बैठे। तुम्हारा क्या नाम है? दिवांशु, कितनी उम्र है आपकी? 12 साल। किसके साथ आए हो? पापा के साथ। भाई साहब ये 12 साल का है, आपसे वादा है मेरा, जब ये 22 साल का होगा तो ये नहीं कहेगा पापा मुझे शिमला जाना है, ये कहेगा पापा बगल में बैठ, खाटू चुपते गाड़ी देखे। ये हालात होंगे। आप खाटू श्याम जी गए कभी? कितने साल पहले गए? 2 साल पहले गए? ये गया था साहब 2 साल पहले। 2 साल पहले आपकी उम्र कितनी थी? 38 साल। आपको 38 साल में बाबा मिला, लेकिन आपके कारण उसको 10 साल में मिल गया, 28 साल मुनाफे में है वो। इसीलिए अपने बच्चों को भगवान से जरूर जोड़ो, ये ऐसा जादू है जिसको ये नशा लग जाता है फिर उसको दूसरा नशा नहीं चलता है। साहब भक्ति से जुड़े रहना, प्रेम से कहना खाटू नरेश की। Thank you.
ध्यान रखना है कि मुसलमान के घर में मुसलमान जन्म लेते हैं, क्रिश्चियन के घर में क्रिश्चियन जन्म लेते हैं, लेकिन हिंदू के घर में हिंदू जन्म नहीं ले रहे। हिंदू के घर में बनिए पैदा हो रहे हैं, ब्राह्मण पैदा हो रहे हैं, यादव पैदा हो रहे हैं, जाट पैदा हो रहे हैं, गुर्जर पैदा हो रहे हैं, वाल्मीकि पैदा हो रहे हैं, लेकिन हिंदू पैदा नहीं हो रहे। मैं कहूंगा कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो पाति का क्या करोगे, सनातन धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। सच के बोलो, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बसी राम शेर है। कोई उंगली दिखाएगा तो आज निकाल देगा, दोनों हाथ उठाते भगवान जाने मेरी मुझको बोलो प्यारा, भगवान जाने मेरी मुझको बोलो प्यारा, भगवान जाने मेरी मुझको बोलो प्यारा। इस भगवे के दर्शन में अपना मारा, भगवे के दर्शन में अपना मारा, कब तक जातियों में यूं ही बनते जाएंगे, कब तक जातियों में यूं ही बनते जाएंगे। All girls students are requested to kindly stay back in the arena. Guys, Mittal साहब चले गए हैं, कैसा लगा आपको बताना जरूर। भीड़ देख लो यार उनके जाने के बाद भी यहाँ पे। हिंदू भाइयों दिल से लाइक करो वीडियो को और बोलो जय श्री राम, कमेंट में भी लिख दो फटाफट जय श्री राम। बाय बाय।